हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बात करें आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम यूथ कंपटीशन का 51वां चैप्टर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज श्रृंखला चल रही है, उसमें 51वां चैप्टर देखेंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं तथा नवरात्रि जैसा महोत्सव हमारी लाइफ में आता रहे, क्योंकि सबसे क्या है, हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार की तरह हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं आज जो यूथ कंपटीशन है उसका 51वां चैप्टर है, यानी 51 वाला चैप्टर है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचायती राज से एक या दो क्वेश्चन अमूमन मिल ही जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं पंचायती राज की और देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। अगर इसकी PDF की बात करें तो ये टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की अगर लिंक की बात करी जाए तो वो हमारे क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। यानी इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इस वीडियो का जो नाम लिखा होता है उसके नीचे आपको कुछ और टाइटल नज़र आते हैं नाम के, उसमें होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको क्या है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की जो लिंक है वो मिल जाएगी। व्हाट्सएप की लिंक केवल और केवल होम साइंस के स्टूडेंटों के लिए ग्रुप बनाया गया है, अदरवाइजों के लिए टेलीग्राम चैनल है, तो आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, होम साइंस की जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं केवल और केवल व्हाट्सएप ग्रुप उन्हीं के लिए बनाया गया है, जिससे कि उनका जब सेंटर GIC की तरह दूर पड़े तो वो एक अपना ग्रुप बनाकर, सेपरेट ग्रुप बनाकर उसमें जा सकें एग्ज़ाम देने के लिए। इस मतलब उद्देश्य को फिल करने के लिए बनाया गया है, या फिर जब सेंटर लगे कि इस तरह से डाला जा रहा है जैसे GIC का डाला गया था, क्योंकि GIC का जो एग्ज़ाम देने हैं आपका 9% ही बच्चे गए होंगे आपके, इसलिए 91% बच्चों ने वो एग्ज़ाम छोड़ा था होम साइंस का, इसलिए इसकी उसी सहूलियत से लिए दैन फ्यूचर को देखते हुए हमने वो ग्रुप बनाया था। अगर ऐसा होता है तो पहले से योगी जी से कोई एप्लीकेशन लिखकर सेंटर को होम डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे, अगर नहीं होम डिस्ट्रिक्ट होता तो किसी भी अच्छे मतलब क्या करें अच्छे से ज़िले में डालें, बट ऐसे इतना दूर और इतने बकवास ज़िलों में ना डाला जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो मतलब क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है वह कौन सा नेता है जो यह मानता है कि यदि कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया जाए तो यह कार्य जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे नेता जो ऐसी सोच रखते हैं उन्हें कहेंगे अहस्तक्षेपी नेता, यानी ये किसी भी हस्तक्षेप को मतलब मानते नहीं हैं। तो अहस्तक्षेपी नेता काफ़ी व्याख्यात्मक होते हैं, इस प्रकार का नेतृत्व बहुत ही व्यवहारिक होता है, प्रबंधकों को अपनी कर्मचारियों की क्षमताओं पर भरोसा होता है। आपके काम में कोई हस्तक्षेप जब नहीं करेगा, जब आप काम उसको उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा देंगे, ठीक है, तो आपके काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा या कोई भी आपको एडवाइस प्रदान नहीं करेगा जब आप उस काम को बहुत अच्छे से करके देंगे। तो अहस्तक्षेपी जो नेतृत्व शैली है की कई सामान्य विशेषताएं हैं, जिनमें शामिल है नेताओं से थोड़ा मार्गदर्शन, कर्मचारियों में निर्णय लेने की क्षमता होती है, लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें, ठीक है, तो इस तरह से नेता समग्र कार्यों और निर्णयों को जिम्मेदारी लेते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट उसके ही होते हैं, किसके अहस्तक्षेपी नेता के, नेता से थोड़ा मार्गदर्शन लेते हैं वो, फिर क्या करते हैं कर्मचारियों में निर्णय लेने की क्षमता होती है, कोई जब मतलब आपको कंट्रोल नहीं करेगा जब आप खुद से डिसीजन बहुत अच्छा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन में ग्रामीण विकास किसके द्वारा शुरू किया गया। तो शांति निकेतन योजना किसकी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर की थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रामीण विकास तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया। अब बात कर लेते हैं शांति निकेतन की, तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक संस्था की स्थापना की जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान व निगरानी निराकरण, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं साधनों में विकास लाना था। ठीक है, क्या क्या करना था, तो जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं साधनों में विकास लाना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो दिया था वो दिया था बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने क्या करा था, जो पंचायती राज व्यवस्था उसको 3 स्तरों में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, स्वच्छता संरक्षण और जलापूर्ति किसके कार्य हैं, तो ये किसके कार्य हैं, ये पंचायत के कार्य हैं, यानी 52 विधेय होते हैं प्रधान के हाथों में गांव में, उन पर क्या करता है, उन पर ऊपर से पैसा आता है यानी सरकार से पैसा आता है, वो स्कीमों के थ्रू क्या करता है गाँव का विकास करता है।
स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति पंचायत के कार्य हैं। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में स्थापना के नागौर में हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी पंचायती व्यवस्था? तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, 59 में, याद रखेंगे। पंचायती राज से तात्पर्य है पंचों का फैसला या शासन। इसका अशाब्दिक अर्थ हो जाएगा पंचों का फैसला या शासन। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत 3 लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। पहला कौन सा है? ग्राम स्तर, दूसरा है खंड स्तर, तीसरा है जिला स्तर। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है सरपंच। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच होता है, यानी जो मैन होता है, मैन मेंबर ग्राम पंचायत के सदस्यों का, तो उसको बोलते हैं सरपंच। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की पहली संस्था होती है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है। त्रिसूत्रीय या त्रिस्तरीय व्यवस्था की, पंचायती व्यवस्था की, जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है, बस इतना याद रखना है कि ये कैसी है, संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित को उनके अनुक्रम के आरोही क्रम में लगाइए। तो हमें क्या करना है, इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। तो हमारे जो आरोही क्रम की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या, ठीक है, यहाँ पर आरोही क्रम की बात की जाए तो ये ऑप्शन बनेगा ए, और देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो सबसे पहले आएगी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। आपको बता दें कि यहाँ ऑप्शन UGC में आया है फर्स्ट और सेकंड में, कब कब 12 और 13 में, पर ये एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ये आरोही क्रम, और आरोही क्रम में कोई भी इसका लगा हुआ नहीं है। सिक्वेंस सब अवरोही क्रम को दर्शा रहे हैं, बट आरोही क्रम में जो बनेगा आप ध्यान रखेंगे, पहले होती है ग्राम सभा, आरोही क्रम का मतलब बदला हो गया 1 2 3 4। तो सबसे पहला कौन सा है? ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत। ठीक है, बट इसने जो दे रखा है वो क्या करा है, अवरोही क्रम में दे रखा है। सारे मतलब ऑप्शन जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप ये बात याद रखेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, अवरोही क्रम या आरोही क्रम। यहाँ पे देखते हैं अवगतन, 1992 के 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन ने महिलाओं के लिए 73% आरक्षण की व्यवस्था की। कारण बोला है, आर बोला है, इस संशोधन ने स्त्रियों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया और पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय सहायता देकर राजनीतिक उत्तरदायित्वों का बोध प्रदान किया या भाव प्रदान किया। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम उन्हें नहीं भागीदार बनाएंगे तो उन्हें बोध कैसे होगा, यानी वो राजनीति की में किस तरह से अपनी भागीदारी दे पाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है कि बाल बजट निर्माण पंचायत के स्तर पर ही प्रारंभ होने चाहिए, जो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली की मूल इकाई है। जबकि कारण बोल रहा है कि तार्किक रूप से इसका परिणाम बच्चों के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी में विकेंद्रीकरण के रूप में सामने आता है। तो यहाँ पर ये आर, ए और आर दोनों सही हैं। तो यहाँ पे भी ए और आर क्या है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अभिघटन भी सही है और उसका कारण भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, सरकार, भारत सरकार का राष्ट्रीय आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की बात की जाए तो ये कहाँ चलाया जाता है, तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, यानी रूरल डेवलपमेंट एंड आपका क्या है, ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। तो इसको बोलेंगे, यहाँ पर देखिए, भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, NRLM, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट क्या है ये, NRLM ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है। बस याद रखेंगे ये प्रोजेक्ट कौन चलाता है, तो ये कौन चलाता है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय चलाता है। यह ग्रामीण लोगों को रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यह गरीब लोगों को स्वरोजगार करने के, यानी स्वरोजगार करने के लिए स्वयं सहायता समूह संचालित करता है, यानी अपनी सहायता स्वयं करो इस पर मेथड पर ये काम करता है। किसी समुदाय में स्वयं सहायता समूह यानी SHG यानी सेल्फ हेल्प
ग्रुप्स को संचालन किया जा सकता है। तो किसमें सेल्फ हेल्प संचालन कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो स्वयंसेवी संगठनों में यानी एनजीओ में, व्यक्तियों द्वारा, स्थानीय व्यापारियों के द्वारा, ऐसे ग्रुपों का हम संचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पंचायती राज प्रणाली का निम्नवत से उच्चतम ढांचा लिखिए। तो यहाँ पे निम्नवत से उच्चतम ढांचे की बात की जाएगी पंचायती राज प्रणाली का, तो वो हो जाएगा पी यानी ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद सबसे, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नवत ढांचा लिखिए, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला पंचायत, जिला परिषद। पंचायती राज प्रणाली का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेशनलते DRDA किस स्तर पर कार्य कर रहा है, तो DRDA किस स्तर पर, तो DRDA का मतलब होता है, DRDA की फुल फॉर्म की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कार्य कर रहा है, इसलिए इसे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं। यानी यहाँ का हो गया, हो गया जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जिसका स्तर जिला स्तर पर कार्य करती है। DRDA प्रशासन योजना 1 अप्रैल 1999 में लागू की गई थी। कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1999 में लागू की गई थी। DRDA की वेतन तथा प्रशासनिक खर्चों का आधार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, यानी केंद्र कितना देगा 75, राज्य कितना देगा 25%। यद्यपि 2008 से और 2009 से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोषीय पद्धतियों में कितना है, कोषीय पद्धतियों में केंद्र कितना देगा 75%, राज्य कितना देगा 25%, या फिर केंद्र कितना देगा 90%, राज्य कितना देगा 10% किया गया है। अभी प्रेजेंट में कितना है, तो इसीलिए योजना किसकी है, सेंट्रल की है, याद रखिएगा। तभी सेंट्रल कितना दे रहा है 90%, राज्य कितना लगा रहा है 10%। अच्छे नेता हैं, तो अच्छे नेता के गुण कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो अच्छे नेता की बात की जाए तो अच्छा नेता कौन होगा, जो दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं और दूसरे दायित्वों को प्रोत्साहन, दायित्वों का क्या करता है, प्रत्यायोजित करने में भी समर्थ होते हैं, दायित्वों को भी निभा सके और दूसरों को भी प्रभावित कर सके। तो यहाँ पे बी और सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बी और सी जो जिस ऑप्शन में है वो हमारा क्या है, यहाँ पर है बी और सी, दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, दायित्वों को यहाँ पर क्या है, प्रत्यायोजित करने में भी समर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है, त्रितलीय सिस्टम के अधीन कौन कौन आता है पंचायती राज के, तो यहाँ पर बात करते हैं, पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा रहेगा यहाँ पर जिला परिषद। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ई। डॉट पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजना में ये दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट यानी परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अवगतन है ग्राम सभा विकेंद्रित शासन की निम्नवत सीमा है, जबकि कारण कहता है पंचायत राज संस्थाएं ग्राम स्तरीय विकास कार्यक्रम के नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। तो नियोजन अगर क्रियान्वयन के लिए ये जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं, राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ग्राम सभा विकेंद्रित शासन की निम्नवत सीमा है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं ग्राम स्तरीय विकास कार्यक्रम के नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पांच वर्षीय योजना में महिला उद्धार के विभिन्न प्रयासों का क्रमवार लिखिए, तो महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं क्रमवार लिखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो देखते हैं, तो पहला रहेगा विकास करेंगे हम महिलाओं को, फिर भागीदारी बढ़ाएंगे, भागीदारी के बाद कल्याण करेंगे, फिर सशक्तिकरण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा या कूट बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पर डी बनेगी। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, परेशान होने की बात नहीं है।
जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे कलेक्टर होता है जिला परिषद का प्रधान। कलेक्टर जिला परिषद का प्रधान होता है। पंचायत की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायत एवं पंचायती समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जिला दंडाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है, तो ये तीन टीयर अवस्था से, ठीक है, तीन अवस्थाओं से मिलकर बनती है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं जो हम हर बार पढ़ रहे हैं, वही है। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। पंचायती राज से तात्पर्य है पंचों का फैसला या शासन। पंचायती राज के त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत तीन लोक संस्थाओं की स्थापना की गई है। पहली है ग्राम स्तर, दूसरी है प्रखंड स्तर और तीसरी है जिला स्तर। नेशनल थे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रूपित हुआ है, तो ये कब हुआ है, यहाँ पे कब हुआ है, तो पहला देखते हैं रूपित की बात हो रही है तो ये कब हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा पंचायती राज के द्वारा, ठीक है, विकेंद्रीकरण हुआ है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पारित पंचायती राज प्रणाली से माना जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के संचालन के अंतर्गत 29 विषयों का उल्लेख किया गया। भारत में पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, तो कब की गई पहली पंचवर्षीय योजना, तो 1951 में लागू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि एवं सिंचाई को मुख्य प्राथमिकता दी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना ने सन 1952 यानी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा आरंभ हुई। और इसी पंचवर्षीय योजना की देन है भांगड़ा नागलबान दामोदर हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी परियोजना, भी इसी पंचवर्षीय योजना की देन है, जो कब शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आई होप आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, आज हमने पंचायत व्यवस्था देख ली है। पंचायती व्यवस्था से एक क्वेश्चन बनता है, तो वो हमारा एक क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम। बस एक टारगेट, एक गोल, एक ध्येय रखिए, वो 100+ 100+ हमें लाना ही लाना है, 100+ लाना है, इससे कम हमें लाना नहीं है, बिल्कुल निश्चित करके रखिए। तो आपका क्या है, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।